स्टेट और मैं हूं आपके साथ में। ऋतु तोमर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी पहुंचे थराली और थराली में सीएम धामी ने रोड शो किया है। सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया है। जनसभा स्थल पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से सीएम का स्वागत किया है। तो कर्णप्रयाग से बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम धामी पहुंचे थराली। थराली में सीएम धामी ने रोड शो किया, जनता के बीच पहुंचे, जनता को संबोधित किया। जनसभा स्थल पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से सीएम धामी का स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने मुख्यमंत्री धामी का फूलों के साथ में स्वागत किया, इसके साथ ही खूब उद्घोष किया। और बता दें आपको कि जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री धामी ने किया। तो पहले रोड शो किया गया, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। कर्णप्रयाग में सीएम धामी थराली पहुंचे और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका ये दौरा, जिसमें उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उनके बीच पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही जोर शोर के साथ में मुख्यमंत्री धामी का स्वागत भी किया। जितेंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। जितेंद्र, मुख्यमंत्री धामी जो कि थराली पहुंचे, वहां उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित भी किया, क्या कुछ रहा उनके कार्यक्रम में? जी देखिए, पूरी संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रैली कुलसारे पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सीएम धामी का फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क मार्ग से होते हुए थराली पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर थराली में रोड शो किया और अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। और यहाँ पर सभा स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी का यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि 19 तारीख तक आप लोग हमारे लिए पसीना बहाओ, उसके बाद हम तुम्हारे लिए पसीना बहाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि आप सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। जनता की तरफ से किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला? जी देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तो यहाँ पर क्षेत्रीय जनता, यहाँ पर सिखों की संख्या में यहाँ पर सीएम को सुनने आए हैं। लोगों में अपार उत्साह दिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी के प्रति जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है, उससे यह लगता है कि निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में यहाँ के लोग हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लोग सुनने के लिए यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पे आए हुए। चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।